लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में गाइस हमने डिस्कस किया हुआ सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, और आज की इस वीडियो में गाइस हम देखने वाले हैं डेडलॉक, वो भी प्रैक्टिकल। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं यहां पे एक बात इंक्लूड करना चाहूंगा जो आप लोगों का ही डाउट है, एक तरह का बहुत ही बेसिक और बिगिनर लेवल का एक क्वेश्चन है, वो ये है कि सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली हम करते क्या हैं। तो पहले मैं इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ एक सिंपल वर्ड में गाइस। देखो क्या होता है, जब एक रिसोर्स या फिर मल्टीपल एक सिंगल रिसोर्स या फिर शेयर रिसोर्स को जब मल्टीपल थ्रेड्स सेमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं या फिर एक्सेस कर रहे होते हैं, और उसी टाइम पे कुछ ऐसे थ्रेड्स होते हैं जो उसमें कुछ अपडेशन कर रहे होते हैं, कुछ चेंज अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है डेटा इनकन्सिस्टेंट होने के चांसेस होते हैं, मतलब जो डेटा की एक्यूरेसी है वो मेंटेन नहीं हो पा रही होती है। तो उसे ही प्रिवेंट करने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। नाउ गाइस अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं, लेट्स से यहाँ पे न्यू और यहाँ पे जावा क्लास। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको डेडलॉक का डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेशन लेवल पे मुझे रन करने की जरूरत नहीं। लेट्स से मेरे पास माई डेडलॉक एक क्लास है, ठीक है, माई डेडलॉक। और इमेजिन करो कि हमारे पास एक और इसी एक और क्लास है जिसको नाम रख लेते हैं डेडलॉक टू। वेरी सिंपल। अब गाइस मान लो कि डेडलॉक के अंदर मेरे पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड फन, ठीक है। और इमेजिन करो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, मैं कुछ यू नो पब्लिक स्टैटिक लेट्स से ऑब्जेक्ट नाम का एक रिसोर्स क्रिएट कर लेते हैं अभी के लिए, बहरहाल क्रिएट कर लेते हैं, कोई न्यू सेपरेट क्लास नहीं क्रिएट करेंगे अभी, तो हम सिंपली यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहे हैं। ओके ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यही हमारा रिसोर्स बन जाएगा, ठीक है, ओबीडो, ठीक है। ये हमारे पास दो रिसोर्स हैं, राइट। इमेजिन करो और यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज़ करते हुए, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया, टेस्ट डॉट ओ बी वन को यूज़ किया, और लेट्स से ये दिस वन कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, दैट्स इट। यहाँ पे क्या कर लिया, ओ बी टू को। तो गाइस यहाँ पे आपको बेसिकली कोड समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक्ड है, ब्लॉक है बहुत ही सिंपल से, एक आउटर है एक उसके अंदर नेस्टेड है, वेरी सिंपल। सिमिलरली गाइस क्या किया मैंने कि इसी को मैंने कॉपी किया और माय डेडलॉक टू के अंदर भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इमेजिन करो गाइस क्या होता है कि जब आप यू नो एक कंकरेंट एप्लीकेशन और मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे होते हो, तो यू नो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बने होते हैं, राइट। स्प्लिट कर दी जाती है एक लार्ज एप्लीकेशन को मल्टीपल क्लासेस में, राइट। तो मान लो यहाँ पे एक मेथड है लेट्स से फन टू, यहाँ पे भी सिचुएशन यही है कि मान लो कि ये दो रिसोर्स हैं जो एक डेडलॉक माय डेडलॉक के अंदर यूज़ हो रहा है और माय डेडलॉक टू के अंदर यूज़ हो रहा है, राइट, उनके मेथड्स के अंदर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ गाइस, यहाँ पे मैंने टू कर दिया, यहाँ पे वन कर दिया। अब ये जो डेवलपर है, जो इंजीनियर है, जो भी प्रोग्रामर है, जो वो कोड कर रहा है, जिस तरह से वो अपनी क्लास को लिख रहा है, ठीक है, तो उसने लिख दिया यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या है, मान लो कि ये डेवलपर वन ने इस तरह का पीस ऑफ कोड लिखा और ये डेवलपर टू ने पीस ऑफ इस तरह का कोड लिखा, दोनों को एक दूसरे के क्लास के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बस दोनों को इतना पता था इन दोनों रिसोर्स को हमें यूज़ करना जो कि एक शेयर रिसोर्स है, राइट। उन्होंने यूज़ कर लिया कुछ ऐसा क्लास ऐसा फंक्शन लिखा है। अब गाइस इससे प्रॉब्लम क्या आने वाली, मान लो गाइस ये मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है, तो डेफिनेटली मान लो कि यहाँ पे टी वन थ्रेड आया, इमेजिन करो टी वन थ्रेड आया, एग्जीक्यूट हुआ, इस पर्टिकुलर लाइन पे पहुंचा, वो लाइन नंबर है 6, और उसके बाद उसको जो है इस कंडीशन पे होकर के भी निकला और यहाँ पे जा करके उसने लॉक अक्वायर कर लिया, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, इसके अंदर पहुंच गया। उतनी देर में क्या हुआ गाइस कि मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है, तो मान लो किसी ने माई डेडलॉक टू का भी ऑब्जेक्ट बनाया होगा और उसके फन टू को कॉल किया, तो फन टू को कॉल किया तो वो यहाँ पे पहुंचा है एक थ्रेड, जो थ्रेड है लेट से टी टू यहाँ पे पहुंच गया। मान लो यहाँ पे मल्टी थ्रेडेड है, मल्टीपल थ्रेड एक्सेस कर रहे होंगे, टी टू यहाँ पे आ गया, इसने किस पर्टिकुलर रिसोर्स को होल्ड किया, ओ बी टू को होल्ड किया है, और यहाँ पे टी वन ने किसको होल्ड किया है, वो ओ बी वन को। तो अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ना लिख करके यहाँ पे लिखूँ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे होल्ड किया है, ठीक है, और ये भी मैं इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है, इमेजिन करो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, वेरी गुड। तो ओ बी वन को टी वन ने होल्ड कर लिया है रिलीज लॉक को, और यहाँ पे टी टू ने ओ बी टू को। अब गाइस क्या होता है कि मान लो जो रिमेनिंग थ्रेड्स हैं लेट्स से कि टी
T3, T4, वट एवर यू कैन इमेजिन दैट। यहाँ पे मान लो जो रिमेनिंग थ्रेड्स हैं, जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं, वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं, लाइक एनी थ्रेड, इमेजिन दैट। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से कि कुछ थ्रेड वेट कर रहे हैं T3। क्यों वेट कर रही है गाइस? बड़ा ही सिंपल है, बात बड़ी सिंपल सी है। क्योंकि इस पर्टिकुलर ब्लॉक को तभी एक्सेस कर पाएंगी जो यहाँ पे वेटिंग थ्रेड है, जब यहाँ पे T2 के थ्रू इस लॉक को रिलीज किया जाएगा। ठीक है, इसको रिलीज करेगा तब ये T3 इसके अंदर इंटर करेगी, राइट। लेकिन ये सारी वेटिंग से हमें कोई लेना देना नहीं जो ये वेट कर रही है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो T1 है वो OP1 को होल्ड कर चुका है, इस पर्टिकुलर रिसोर्स को होल्ड कर चुका है। इसने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, वो फिर इस लाइन पे लेट से पहुंचता है, इस लाइन पे पहुंचने के बाद वो इस लाइन पे पहुंचता है। अब वो इस लाइन को, मतलब इस पर्टिकुलर सिंक्रोनाइज नेस्टेड ब्लॉक को एक्वायर करना चाहता है T1। बट वो क्या देखता है कि OB2 को ऑलरेडी किसी और थ्रेड में होल्ड कर रखा है। वो कोई डिफरेंट क्लास में हो सकता है, वो अलग बात है कि सिंक्रोनाइज ब्लॉक अलग जगह पे बना हो, उससे मतलब नहीं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे वो देखता है कि वो जो OB2 है वो T2 के द्वारा होल्ड किया गया है। तो क्या करेगा कि भाई T1 जो है वेट कर रहा है कि भाई जैसे ही OB2 रिलीज होगा T2 के थ्रू, मैं इसको एक्वायर कर लूँगा, इस पर्टिकुलर लॉक को, यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन और ब्लॉक के अंदर जाऊँगा। अब क्या है, T2 यहाँ पे पहुँचता है मान लो, ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पे पहुँच गया। अब वो क्या चाह रहा है कि T2 जो है OB1 को एक्वायर करना चाह रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कि T2 जो है OB1 को एक्वायर करना चाहता है, लेकिन OB1 जो है T1 के थ्रू होल्ड करके रखा गया हुआ है, और T1 जो है OB2 को एक्सेस करना चाहता है, जो OB2 जो है वो T2 के थ्रू होल्ड करके रखा गया है। तो मतलब यहाँ पे OB1 को एक्वायर करना चाहता है T2, जो कि T1 के थ्रू होल्ड करके रखा गया है, और T1 जो है एक्वायर करना चाहता है OB2 को, जो कि T2 के थ्रू होल्ड करके रखा गया है। तो कहने का मतलब है ये साइकिल नेवर एंड प्रोसेस में चली गई है। T2 वेट कर रहा है T1 के द्वारा एक्वायर किए गए हुए पर्टिकुलर रिसोर्स को, वो रिलीज करे तो मैं एक्सेस करूँ, और T1 वेट कर रहा है T2 के द्वारा एक्वायर किए गए लॉक को रिलीज करे तो मैं एक्सेस करूँ। तो ये नेवर एंड प्रोसेस हो गया, जिसको कहेंगे एक तरह का डेड लॉक सिचुएशन बन गई है। और ये डेड लॉक सिचुएशन ऐसी हो गई जो नेवर एंड हो जाएगी, और जिसकी वजह से कभी भी ये एक्सेस नहीं कर पाएगा T2, और T1 कभी नहीं एक्सेस कर पाएगा इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, नेस्टेड सिंक्रोनाइज ब्लॉक को, जिसकी वजह से हो जाएगा हमारा डेडलॉक। तो बहुत ही बेसिक सा ये एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया, और गाइस जरूरी नहीं है, अभी मैंने यहाँ पे मल्टीपल जानते हो कि एक मल्टीपल एप्लीकेशन एक डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल क्लासेस में स्प्लिट की जाती है। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ थोड़ी देर के लिए, कि चाहे तो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को उठा करके यहाँ रख दूँ, यहाँ पे रख दो, तो आपको यहाँ पे साथ में चीज़ें दिखेंगी तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, OB2 को आउटर में यूज़ किया गया, जबकि OB1 को आउटर में यहाँ पे यूज़ किया गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर यहाँ पे भी OB1 कर दिया जाए और यहाँ पे OB2 कर दिया जाए, मतलब इनके ऑर्डर को जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो इसी तरह से इस वाले में भी ऑर्डर मेंटेन कर दिया जाए, ठीक है, जस्ट रिवर्स और अपोजिट ऑर्डर ना करके एकदम सेम ऑर्डर फॉलो किया जाए, तो ये जो प्रोग्राम है प्रॉपरली वर्क करेगा। सो दिस इज अ बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ द डेड लॉक। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइस, और इसको चाहे तो मैं वापस से वहाँ पे ले जाता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो गाइस बहुत ही बेसिक सा है, तो इस तरह से आप इसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो गाइस। तो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।